विषय व्याकरण। व्याकरण आपको चैप्टर फोर पढ़िएगा जिसमें है शब्द विचार। तो शब्द विचार सबसे पहले आएगी शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, यानी कि शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। सार्थक कहने का मतलब इसका कोई सही अर्थ निकले, पता चले कि कोई शब्द का अर्थ क्या है। मेल शब्द नहीं कहलाते हैं, अर्थात एक एक से अधिक वर्णों के योग संरचित ऐसे ध्वनि को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, और व्याकरण के बाद सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बादल, अगर बादल बोलते हैं संबोधन होता है कि हाँ बादल इसे हम कह रहे हैं। विद्यालय गुलाब, यानी गुलाब का संबोधन होता है, फूल का नाम है गुलाब। अब इसके बाद ये शब्द के भेद, तो शब्द के भेद जो है व्याकरण की दृष्टि से शब्द को चार भागों में बांटा गया है। एक उत्पत्ति का आधार पर, दूसरा रचना का आधार पर, तीसरा प्रयोग का आधार पर, चौथा अर्थ का आधार पर। अब इसमें देखिए उत्पत्ति का आधार पर जो है शब्द को पांच भागों में बांटते हैं। वो है नंबर एक तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा विदेशी और पांचवा संकर शब्द। तो अब इसमें जाएंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यो के त्यो प्रयोग में लाया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, अग्नि, पवन, पर्वत, सूर्य। दूसरा देखिए तद्भव, यानी कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप होता है। जैसे हम तत्सम में बोले रात्रि तो उसको हम मूल रूप में क्या लिखेंगे, हिंदी में रात। अग्नि है तो आग, पर्वत है तो पहाड़, सूर्य है तो सूरज, ये हो गया तद्भव शब्द। उसके बाद आइए नंबर तीसरा पर देखिए, तीसरा पर देश शब्द, यानी कि देश का शाब्दिक अर्थ होता है देश जो उत्पन्न। जो शब्द आम बोलता है बोलियों से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उसे देश शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, रोटी, लोटा, झाड़ू, ये सब अपने देश में बोलने जाने प्रचलित भाषा शब्द है। नंबर चौथा है विदेशी शब्द, हमारे देश पर अनेक वर्षों तक विदेशियों का शासन रहा जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी भाषा के अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए। कुछ विदेशी शब्द इसी प्रकार से हैं, जैसे कुछ अंग्रेजी से लिए गए शब्द जो बोलते हैं हिंदी में, स्टेशन, पार्टी, नर्स, डायरी, आइसक्रीम, ये सब शब्द जो है अंग्रेजी से लिया गया है विदेशी शब्द। दूसरा है अरबी से, यानी कि अरबी से अमी, औरत, औलाद, खत, किताब। फारसी से फकीर, खजाना, अफसोस, आराम। तुर्की से तलाश, तौलिया, कोक, तमाशा। पुर्तगाली से अलमारी, गमला, गोभी, कपड़ा। चीनी से मिर्ची, चार, अधिक। अब देखिए पांचवा जो है संकर शब्द, यानी कि दो भिन्न भाषाओं के योग से बड़े शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी और फारसी से मिलाकर दो शब्द मिलाकर बनता है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी से किसी मिलाकर बनता है, हिंदी और संस्कृत से मिलाकर बनता है, तो अंग्रेजी और हिंदी से सबसे पहले टिकट, और हिंदी का शब्द हो गया घर, तो क्या हो गया टिकट एक घर। अंग्रेजी से भी रेल, हिंदी से क्या हो गया गाड़ी, तो रेल गाड़ी। वैसे ही है हिंदी और फारसी के संयोग से मिलने से घरी प्लस साग, घरी साग। तो इससे ये हो गया आपको उत्पत्ति का आधार। अब देखिए रचना का आधार, व्याकरण वाला आपको करेंगे समझने की चीज आपको समझिएगा ध्यान से। तो दूसरा उदाहरण है रचना का आधार। तो रचना का आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यगूढ़। अब देखिए रूढ़, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होगा उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, घोड़ा, हाथी। यौगिक शब्द देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, जैसे विद्या, पदस, आर्य, विद्यालय, हिम, पदस, आर्य, हिमालय। अब यगूढ़ देखिए किसे कहते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे हम यगूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, तो पंख में जन्म लेने वाला कहा जाता है पंकज, उसे शब्द हो जाता है इसका। नील का नीला है कंठ किसका। अब तो आप फ्री में देखिए शब्द में, और
अर्थ कारण पर, अर्थ कारण पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक दूसरा भेद। सार्थक कारण किसका कोई अर्थ पता चले, कपड़ कारण नहीं पता चलता है कि उनका हम संबोधन कर रहे हैं, लेकिन लमक कहते हैं तो लमक का कोई अर्थ नहीं, ये हो गया निर्देश, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। कुछ पता नहीं चले कि हाँ ये व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, तो वो रहता है निर्देश शब्द। अब लास्ट देखिए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यानी कि विकार का होता है परिवर्तन बदलाव, तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारण कारण के आधार कुछ बदलाव आता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, और खम जो है अविकारी शब्द, यानी जिन शब्दों में लिंग वचन कारण कारण के आधार कारण के आगे के कारण कोई बदलाव नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अविकारी। या अविकारी शब्द होते हैं चार, होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विशेषणादि बोधक। ये आपका था चैप्टर फोर शब्द विचार, उसका आप लोग डेफिनेशन को बुक से आपको पढ़ेंगे याद करेंगे, हमने समझा दिया इसको, और पेज नंबर 29 30 सारे क्वेश्चन को बनाइए और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।